कि अगर ये सब होगा तो जो छात्र असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, यूजीसी जो एक जिम्मेदार संस्था है, उनके भविष्य क्या क्या कोई गारंटी लेगी? पहले ये होता था, अल्टीमेट इफेक्ट की अगर आप बात करें तो पहले जो नेट का रिजल्ट आता था अराउंड 5% के आसपास आता था, कि अराउंड 5% बच्चे नेट क्वालिफाई करते थे। जो ये चेंज प्रोसीजर है, इससे आपका नेट का रिजल्ट 5% से बढ़ के करीब 6% हो जाएगा, ना कि कम होगा। इसलिए ये बच्चों के फायदे में है, ना कि बच्चों के नुकसान। नहीं मैडम, आपने कहा कि जितने लोगों को पास मार्क्स मिलता था उनमें से 15% लोगों को नेट दिया जाता था इससे पहले। नहीं, नहीं, नहीं। 15% करके उसके बाद नेक्स्ट स्क्रूटिनी उसमें होती थी। नहीं मैडम, मैं अब नेट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, नेट मैं भी नेट इफेक्ट का ही बात कर रही हूँ। एक पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स के ऊपर जितने लोगों को पाते हैं उनमें से 15% एलिजिबल। पहले मान लो 100 बच्चे अगर अपीयर होते थे तो सिर्फ 5 नेट क्वालिफाई करते थे, अब नए प्रोसीजर से हमें उम्मीद है कि 5 की जगह 6 करेंगे। वो कम किसी भी हालत में नहीं होगा, पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले ये 15% छात्रों को नेट सर्टिफिकेट देने का डिसीजन था, ये 6% किया गया है। जितने लोग पास करते हैं आप उन्हीं को नेट सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 15% ऑफ दी, मतलब वो जो नीचे का बेस था वो कम हो जाता है। तो सर्कुलर में ये क्यों लिखा हुआ है कि 15% के बजाय 6% किया जाएगा? आप कहीं 5 से चेक किए हैं? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप चाहें, एक सेकंड, आप चाहें तो आप लिख के पूछ लीजिए, आपको लिख के ये क्लेरिफिकेशन। हम ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं, आप यूजीसी पिटीशन जा चुका है। जो यूजीसी का नेट ब्यूरो है, हम उसको बोलेंगे कि आपको रिटर्न में जवाब दे दें। आप अपने वेबसाइट में लाइए, सारे देश भर के छात्र जानना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको वेबसाइट करेंगे। मैडम, दूसरा बात ये है कि आप कह रहे हैं कि यूजीसी और एमएचआरडी के बीच का बात नहीं है, सीबीएसई है। सीबीएसई एक स्कूल बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। एमएचआरडी ने जिम्मेदारी दी थी नेट एग्जामिनेशन करने की। ठीक है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, वो क्लासरूम देता है, उसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आप फाइनल डिसीजन हमको बताइए, कब तक आप देंगे? ये इतने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ बिना बोले खिलवाड़ नहीं नहीं देख रही हूँ। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे, मिनिस्ट्री में बातचीत होगी। ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपको एक डेडलाइन दे दूँ। मैडम, ये जून जुलाई 2017 का इम्तिहान का क्या हुआ? जो जून जुलाई में होना था 2017 में, उस एग्जाम का क्या हुआ? जून जुलाई का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। कब है, कहाँ है? कितना पोस्टपोन हुआ है अभी, उसके बारे में मुझे अभी तक फॉर्म नहीं निकाला गया है, अभी एग्जाम हो जाना चाहिए था। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मतलब आप लोग एग्जाम नहीं करा रहे हैं और आप छात्रों से ये छुपा रहे हैं? मैडम, हम बस इतना बात कह रहे हैं कि यूजीसी का जो मंशा है, अगर वो एग्जाम 2 बार के जगह 1 बार घटाना चाहती है, उसका ये फर्ज बनता है, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, कि पब्लिक को खुलेआम बताए, पब्लिक से खेल ना खेले। हम मैडम मैडम हम आपका बात समझ गए मैडम। हमको पता था, हमको यही जवाब मिलेगा कि हमको नहीं पता, क्योंकि चेयरपर्सन साहब वो हमसे बात नहीं करते हैं, वो एक पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो कब मिलेंगे? हम उस दिन कुछ लोग आएंगे, किसी दिन हमको अपॉइंटमेंट देते हैं, हम आएंगे। आप चेयरमैन ऑफिस से बात करके आप उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेंगे? वो नहीं देते हैं अपॉइंटमेंट। एनीवे मैडम, हम आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं यूजीसी। ये गेम खेलना छात्रों के भविष्यों के साथ खत्म करें। और हम आपसे आज ये, हमको पता था आप ये जवाब देंगे, हमको पता था कि आप बोलेंगे हमको नहीं पता। यूजीसी जो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो एक स्कूल बोर्ड पे अपना जिम्मेदारी शिफ्ट कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हमको ये लगता है कि यूजीसी को जवाब देना चाहिए। हम आपसे ये बोलने आए हैं, चेयरपर्सन साहब से आपका मुलाकात होगा, हम आपसे ये बोलने आए हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर क्लियर कट नोटिफिकेशन चाहते हैं 3 सवालों पे। पहली बात, जून जुलाई के नेट का क्या हुआ? दूसरी बात, बाई एनुअल नेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो यूजीसी इतना हिम्मत रखे कि छात्रों को बताए, चोरी छुपे ना करे। तीसरी बात, ये जो आप 15% और 6% का आप कह रहे हैं कि इन इफेक्ट बढ़ेगा, यूजीसी ये कैटेगरिकल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने वेबसाइट में लाए। और चौथी बात, JRF के संख्या में, क्योंकि हमको पता है यूजीसी ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि यूजीसी चाहता है कि रिसर्च स्कॉलरशिप में फंडिंग ना हो, और इसीलिए हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आप कैटेगरिकल नोटिफिकेशन निकालिए। JRF के संख्या में हर साल जितना JRF दिया जाता है उसमें कोई कटौती होगा कि नहीं होगा, ये 1 हफ्ते के अंदर आप प्लीज़ कीजिए, नहीं तो हम मजबूर हैं कि ये आंदोलन बढ़ेगा, देश भर से छात्र यूजीसी को सवाल पूछ रहे हैं।